हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद यतिमन। तो देखिए, चैनल पर मैं आप लोगों को एनसीईआरटी बुक जो है वो करवा रही हूँ। जैसे ही एनसीईआरटी बुक जो है वो 6 से 12 तक की जो है कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद जो है वो हम क्या करेंगे, इनके वन लाइनर जो है वो क्वेश्चन करेंगे। जिस तरीके से हमने आरबीएससी की जो बुक है वो कम्प्लीट की थी, आरबीएससी की बुक कम्प्लीट करने के बाद हमने उनके जो है वो वन लाइनर क्वेश्चन जो है वो है किए थे। उसके बाद मैंने आपको राजस्थान के जीके की जो है वो है बुक करवाई, 6 से 10 तक की कंप्लीट करवाई, और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट रही है। साथ में मैंने आपको नोट्स भी करवाए थे ताकि बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा जो है यहाँ पर फ़ायदा हो सके। तो देखिए, राजस्थान की जीके की जो भी बच्चे जो हैं वो बुक पढ़ना चाहते हैं, चैप्टर वाइज जो है वो बहुत अच्छे तरीके से मैंने आप लोगों को पढ़ाई है। प्लेलिस्ट में यदि आप जाकर देखेंगे तो वहाँ आपको जो है बहुत सारे वीडियोस जो 80 से अबव जो वीडियोस जो है वो आपको मिलेंगे, यहाँ तक कि आपको वन लाइनर जो है क्वेश्चन आंसर सीरीज़ भी मिलेगी। तो इसी तरीके से जो है हम दोबारा से राजस्थान का जीके जो है वो जिन बच्चों ने जो है नोट नहीं किए हैं या जिन बच्चों ने बुक नहीं भी पढ़ी है, जिन्होंने पढ़ी है बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को सभी को राजस्थान जीके की बुक जो है वो पढ़नी चाहिए। 6 से 10 तक की तो आप सभी को आनी ही चाहिए, और टिप्स पर जो है वो आपके होनी चाहिए एक एक लाइन, क्योंकि आप काफ़ी टाइम से राजस्थान जीके को पढ़ रहे हैं। किसी भी एग्ज़ाम को आप देंगे, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करें, आगे चल के आप सेकेंड ग्रेड की तैयारी करेंगे, थर्ड ग्रेड की तैयारी करेंगे, ठीक है, या फिर कुछ बच्चे जो कि आरटेट का एग्जाम देंगे, एलडीसी की अगर बात करें, ठीक है, पटवार की, ग्राम सेवक की, राजस्थान में जिस भी कंपटीशन की तैयारी आप कर रहे हैं, आपको पता है अब सबसे ज़्यादा वेटेज जो है वो किसका हो रहा है, राजस्थान जीके का, यानी जिसकी राजस्थान जीके में पकड़ बहुत ही मजबूत है तो वो एग्ज़ाम जो है वो बहुत आसानी से निकाल लेगा, ठीक है। यही चीज़ जो जो कि मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ। और कहीं ना कहीं बच्चों की जो है वो थोड़ी सी मिस्टेक यही होती है कि शॉर्टकट जो है वो अपनाते हैं, ठीक है, और पूरा सिलेबस जो है वो लर्न भी कर लेते हैं, लेकिन ये जो शॉर्टकट होता है, यानी कि आपने चैप्टर पढ़े नहीं हैं और बिना चैप्टर पढ़े जो है वो आपने क्वेश्चन आंसर कर लिए, जिस तरीके से मैं आप लोगों को एनसीईआरटी बुक जो है वो करवा रही हूँ। कई बच्चे बोल रहे हैं वन लाइनर करवाओ, देखिए पहले आप एनसीईआरटी बुक को अच्छे से पढ़िए, ये आपके लिए ही है, इसमें मेरा फ़ायदा नहीं आपका फ़ायदा होगा। एनसीईआरटी बुक आप पढ़िए 6 से 12 तक की, यहाँ नहीं पढ़ना चाहते हैं आप मार्केट से बुक लेके आएँ और बुक पढ़ें, ठीक है, उसके बाद आप वन लाइनर पर आएंगे। तो इस तरीके से राजस्थान के जीके की दोबारा से जो है वो हम स्टार्ट करेंगे, जो भी आपकी कमियां रह गई हैं तो वो आपको पता चलेंगी। यदि आप लोगों ने चैप्टर नहीं पढ़े हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट में जाकर जो है वो आपको सबसे पहले चैप्टर पढ़ने हैं। चैप्टर पढ़ने के बाद आप यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर जो है वो आप एक एक करके जो है इन चैप्टर्स के वन लाइनर जो है वो आप करेंगे। इस बार मैं आप लोगों को पीडीएफ फॉर्मेट में ये करवाऊंगी ताकि जो है वो आपके लिए और भी ज़्यादा जो है वो आसान हो जाए, ठीक है। कई बच्चे बोलते हैं कि मैम जो है बुक भी पढ़ ली फिर भी जो है याद नहीं हुआ, बिल्कुल याद होगा, 100% याद होगा, यदि आप जो है बहुत अच्छे तरीके से बुक पढ़ने के बाद इन क्वेश्चन आंसर को करोगे। डायरेक्ट जो है वो क्वेश्चन आंसर करने का कोई सेंस नहीं होता है, क्योंकि हम उनको भूल जाते हैं, ठीक है। कई बच्चे सोचते हैं पहले हम वन लाइनर को ही निपटा लेंगे, लेकिन क्या होता है कि आप भूल जाओगे, इसलिए चैप्टर पढ़ना, उसके बाद यहाँ पर आकर जो है इन चैप्टर्स के वन लाइनर करना। और मैंने आप लोगों के लिए और भी आसान कर दिया है कि पीडीएफ फॉर्मेट में आप लोगों को करवाऊंगी। तो चलिए, बिना देरी के राजस्थान जी के जो है वो हम चैप्टर क्लास 6 का चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे। इसी तरीके से धीरे धीरे जो है आपका नोटिफिकेशन आएगा, तब तक हम इसको आधा कर भी लेंगे। एनसीईआरटी बुक जो है वो मैं आप लोगों को करवा ही रही हूँ, ठीक है। तो दोनों चीज़ें जो है वो बहुत बड़ा रोल अदा करती हैं आपके एग्जाम के लिए, इन दोनों पर फोकस करना आपका बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखिए, क्लास 6 चैप्टर नंबर 1 राजस्थान एक परिचय, यहाँ पर हम डिटेल में बात नहीं करेंगे। उसकी वजह क्या है कि मैंने आपको चैप्टर जब पढ़ाया है तो वहाँ मैप के द्वारा बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया है। जिसको भी यहाँ पर क्वेश्चन आंसर में प्रॉब्लम आती है, सबसे पहले जो है वो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे और प्लेलिस्ट में जाकर जो है उस चैप्टर को रीड करेंगे, ठीक है। और यदि आपने पढ़ लिया है तो आप इन क्वेश्चन आंसर को जो है वो बिल्कुल याद करते जाएँ। राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति क्या है? राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति जो है वह 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश है, ठीक है। राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति क्या है? 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। क्वेश्चन सेकंड है,
राजस्थान की देशांतरीय स्थिति क्या है? तो देशांतरीय स्थिति जो है वह 69 डिग्री 30 मिनट पूर्व से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी अक्षांश है। ये उत्तर और पूर्वी, ये जो भी आप देख रहे हैं, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वह 342,239 वर्ग किलोमीटर है। तो जिन बच्चों को जो है नोट करना है तो वो नोट भी कर सकते हैं। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वह कितनी है? तो पूर्व से जो पश्चिम है तो यहाँ जो है इसकी लंबाई है 869 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण जो है वो 826 किलोमीटर है। अब यही एग्ज़ाम में जो है वो आपके क्वेश्चन पूछा गया है, आपको यदि याद हो सेकंड ग्रेड में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है और रीट में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। सेकंड ग्रेड में जो है इनका अंतर पूछ लिया गया है कि पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण जो है कितनी लंबाई है, इसका अंतर क्या है, अंतर पूछ लिया गया है। रीट में आपके क्या पूछा गया है कि यहाँ जो है इसकी लंबाई जो है इसके बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर चैप्टर जो है वो आपको बिल्कुल कंप्लीट मिलेगा। यदि आपने चैप्टर पढ़ लिया है तो ये आपको ऐसा लगेगा कि दोबारा चैप्टर जो है वो आप फटाफट से कम समय में पढ़ ले रहे हो, ठीक है। और जिसने नहीं भी पढ़ा है तो उनको भी बहुत अच्छे से यहाँ पर समझ में आएगा। लेकिन सही बात ये है कि आप लोग जो है सबसे पहले जो है चैप्टर को पढ़िए। राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला और पश्चिमी जिला कौन सा है? यहाँ पर हर एक क्वेश्चन जो है वो आपको एग्जाम में देखने को मिला ही होगा। धौलपुर है पूर्वी जिला और जैसलमेर है पश्चिमी जिला, ठीक है। राजस्थान के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? तो राजस्थान के पड़ोसी राज्य पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है और गुजरात है। या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान के कितने पड़ोसी राज्य हैं, ठीक है। तो आपको बताना है कि एक पंजाब है, दूसरा हरियाणा है, तीसरा उत्तर प्रदेश है, चौथा मध्य प्रदेश है और पांचवा है गुजरात। तो इस तरीके से पांच राज्य जो हैं वो पड़ोसी राज्य हैं राजस्थान के। तो यहाँ पर 6 क्वेश्चन हमने किए हैं और ये 6 के 6 क्वेश्चन आपको एग्जाम में कहीं ना कहीं देखने को मिले हैं। राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय एवं सूर्यास्त किस जिले में होता है? तो राजस्थान में सबसे पहले जो है सूर्योदय, जो इसका पूर्वी जिला है धौलपुर, यहाँ पर होता है और सूर्यास्त भी यहीं पर होता है। राजस्थान में कुल कितने संभाग हैं? अब ये देखिए कितना आसान सा प्रश्न है। राजस्थान में कुल कितने संभाग है? 7 संभाग है और यही एग्जाम में पूछ लिया गया था। ऑप्शन जो है जब इस तरीके से आ जाते हैं कि 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं, ठीक है, 8 हैं, तो यहाँ पर भी बच्चों को जो आते हुए भी कंफ्यूज हो जाते हैं और गलती कर बैठते हैं, ठीक है। आते हुए भी क्वेश्चन यहाँ पर गलत हो जाता है, जो कि आपने हाल ही में रीट मेंस में देखा भी होगा। जयपुर संभाग में आने वाले जिले कौन कौन से हैं? तो जयपुर में संभाग में एक जयपुर तो आएगा ही, इसके साथ दौसा है, सीकर है, अलवर है और झुंझुनू। नेक्स्ट देखिए 10th है क्वेश्चन, जोधपुर संभाग में आने वाले जिले कौन कौन से हैं? तो जोधपुर है, पाली है, जालौर है, सिरोही है, बाड़मेर है और जैसलमेर है। इनकी काउंटिंग भी आप लोग करके रखिए कि जोधपुर संभाग में आने वाले जो हैं कितने जिले हैं। तो आपको याद रखना है 1 जोधपुर, 2 पाली, 3 जालौर, 4 सिरोही, 5 बाड़मेर और 6 जैसलमेर, ठीक है। अब यहाँ पर कंफ्यूजन में आप आकर गलती क्या कर बैठोगे कि जोधपुर संभाग में जोधपुर को हो सकता है काउंट ना करो, लेकिन आपको ध्यान रखना है जोधपुर संभाग हो चाहे जयपुर संभाग हो चाहे अजमेर संभाग हो, उसे तो उसमें शामिल करना ही है। नेक्स्ट देखें अजमेर संभाग के अंतर्गत कौन कौन से जिले हैं? तो अजमेर है, भीलवाड़ा है, टोंक है और नागौर है। ये सभी प्रश्न आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हो यदि आपको जानकारी हो राजस्थान के मैप की। और जिसको मैं आपको बार बार बोलती रहती हूँ, चैप्टर पढ़ाया था वहाँ पर भी मैंने आपको बोला था कि सबसे पहला चैप्टर है और इसमें इतनी नॉलेज है आपके लिए, यहाँ से प्रश्न क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट ग्रेड में भी क्वेश्चन आ लिया, यहाँ से सेकेंड ग्रेड में भी आ चुका है और थर्ड ग्रेड में भी आपने देख लिया, ठीक है। अब देखिए 6th क्लास का फर्स्ट चैप्टर ही कितना इंपॉर्टेंट है और बच्चों ने गलतियां भी खूब की। बीकानेर संभाग में आने वाले जिले कौन कौन से हैं? बीकानेर है, चूरू है, श्री गंगानगर है और हनुमानगढ़ है। नेक्स्ट देखिए कोटा संभाग के अंतर्गत आने वाले जिलों के क्या नाम है? तो कोटा संभाग के अंतर्गत कोटा है, बूंदी है, बारा है और झालावाड़ है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन 14,
उदयपुर संभाग के अंतर्गत आने वाले जिले कौन कौन से हैं? तो एक उदयपुर हो गया, दूसरा चित्तौड़गढ़, तीसरा बांसवाड़ा, चौथा डूंगरपुर, पांचवा प्रतापगढ़ और छठवा राजसमंद। ठीक है, जोधपुर संभाग में भी 6 आ रहे हैं जिले और उदयपुर संभाग में भी 6 जिले आ रहे हैं। भरतपुर संभाग में आने वाले जिलों के क्या नाम हैं? तो भरतपुर है, धौलपुर है, करौली है और सवाई माधोपुर है। ठीक है, तो आप बताइएगा कि इस तरीके से क्वेश्चन करने में आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई? ये जो हमने स्टार्ट किया है, क्या इसी तरीके से आप लोगों को 6 से 12 तक की कंप्लीट करनी है वन लाइनर? तो आप कमेंट में जो है इसका आंसर जरूर दें। 16 क्वेश्चन देखिए। देखिए, मेरा यहाँ पर कराने का बस एक ही मकसद है, और वो क्या है कि आपको बहुत ही इजी तरीके से चीज़ें उपलब्ध हों और बहुत ही आसान तरीके से जो है वो याद हो जाएं, समझ में आएं, और जो मिस्टेक आप लोगों ने एग्ज़ाम में की हैं, आगे से आप लोग ये मिस्टेक जो है वो नहीं करेंगे। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है? 5,920 किलोमीटर है इसकी स्थलीय सीमा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, राजस्थान की स्थलीय सीमा कितनी है? 5,920 किलोमीटर। ये वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चन है, सब आपकी बुक में जो है वो एक एक लाइन लिखी हुई है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि बुक के बाहर से आपको यहाँ पर कोई भी लाइन मिल जाए। राजस्थान के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? तो वह है मध्य प्रदेश, जो कि 10 जिलों से जो है सीमा बनाता है। और दूसरा क्वेश्चन ये बन जाएगा कि राजस्थान के साथ जो है वो सबसे लंबी सीमा बनाने वाला जो राज्य मध्य प्रदेश है, उससे राजस्थान के कितने जिले जो हैं वह टच होते हैं। राजस्थान की सबसे छोटी सीमा किस राज्य से लगती है? तो वह है पंजाब जिला। ठीक है, राजस्थान की सबसे छोटी सीमा जो है किस राज्य से लगती है? तो वह है पंजाब। ठीक है, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर से टच होती है। 19वां क्वेश्चन देखें, राजस्थान का वर्तमान स्वरूप जो है वो कब सामने आया? 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का वर्तमान स्वरूप आया। राजस्थान की एकीकरण की प्रक्रिया से प्रश्न जो हमेशा आता है, इसमें भी कई बच्चों ने जो है वो मिस्टेक की थी, याद कर लेते हैं फिर भी भूल जाते हैं। नेक्स्ट देखें, राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो देखिए, यहाँ पर धौलपुर के बारे में हमने अभी तक जो है 3 प्रश्न तो देख ही लिए। सबसे जल्दी सूर्यास्त सूर्योदय धौलपुर में, सबसे छोटा जिला धौलपुर, ठीक है, और पूर्वी जिला धौलपुर। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए, एशिया महाद्वीप है, ऐसा नहीं है ये क्वेश्चन अलग से जो है किसी और चैप्टर का है, ये आपके 6th क्लास के फर्स्ट चैप्टर का ही है, जहाँ पर थोड़ी सी जानकारी जो है वो आपकी इससे दी गई है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप। भारत में वर्तमान में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो याद रखें, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, याद रखना है कितने राज्य हैं, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, 28 8, ऐसे याद रखना। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, और राजस्थान में सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर। 24 देखिए, लाइन क्या कह रही है कि राजस्थान भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है। ठीक है, इसको ऐसे नहीं बोलेंगे कि 10.41, ऐसे नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, 10 पॉइंट या 10.41%। भारत पाकिस्तान रेडक्लिफ रेखा कब निर्धारित की गई? तो यह जब हमारा भारत आजाद हुआ, याद रखें, तभी निर्धारित हुई थी 1947 ईस्वी में, जब भारत और पाकिस्तान जो है इसका विभाजन हुआ। राजस्थान की पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से मिलती है? तो आपको याद है मैप कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वह मिलती है पाकिस्तान से। कितनी लंबी सीमा बनाता है यह? तो 1,070 किलोमीटर की जो है सीमा बनाता है पाकिस्तान से हमारा राजस्थान। अंतिम प्रश्न है, केंद्र शासित प्रदेश से क्या अभिप्राय है? तो हमें पता है कि 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश हैं भारत में, तो इसका अर्थ है भारत के कुछ ऐसे क्षेत्र जहां केंद्र सरकार द्वारा ये शासित हैं, ऐसे क्षेत्रों को हम केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। तो इस तरीके से हमने जो है वो 27 क्वेश्चन किए हैं। क्लास 6 है, आप खुद देखिए, चैप्टर जो है वो आपका कौन सा है, 1 है।
इसमें से चाहे आपने अभी हाल ही में फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम दिया है, चाहे आपने सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम दिया है, या आपने थर्ड ग्रेड का एग्ज़ाम दिया है, या आपने रीट का एग्ज़ाम दिया है, ठीक है, या हम कह सकते हैं कि आपने जो है वो LDC जो हाई कोर्ट जो है इसका एग्ज़ाम जो है वो दिया है, जिसके एग्ज़ाम चल रहे हैं, या आपने जो है वो पहले पटवार का एग्ज़ाम दिया था, ग्राम सेवक का एग्ज़ाम दिया था, ठीक है, आपने किसी का भी एग्ज़ाम दिया हो, आपको इस चैप्टर में से क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 में से एक क्वेश्चन तो आपको मिला ही है। इसीलिए मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको बताना है कमेंट में कि आज जो हमने क्लास 6 का चैप्टर 1 जो है वो कवर कर लिया है, वो बहुत ही आसान तरीके से PDF फॉर्मेट में, तो आपको ये कैसा लगा? क्या आपको जो है ये आगे इसी तरीके से जो है वो आपको चाहिए, तो आप बताइएगा। इसी तरीके से जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, और यदि आपको जो है वो चैप्टर पढ़ना है दोबारा से, तो आप ये बताइएगा कि चैप्टर जो है वो हमको पढ़ना है, तो दोबारा से हम चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि मेरा मानना है, कुछ बच्चे बोलते हैं मैम डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर करवाओ, देखिए क्वेश्चन आंसर डायरेक्ट जो है वो कराने से आप लोगों का फ़ायदा नहीं होगा। यहाँ पर आप चैप्टर पढ़ लो, उसके बाद आप जो है वो क्वेश्चन आंसर करोगे, तो आपको लंबे टाइम तक याद भी रहेगा, कुछ क्वेश्चन घुमाकर अगर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं तो भी आप उनको सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज क्वेश्चन आंसर जो है उनको आप करके डायरेक्ट चले जाओगे तो आप क्या भूल जाओगे, तो आपको भूलना तो नहीं है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।